ট্রেন যাত্রীদের জন্য সুখবর, এনজেপি থেকে কলকাতা অবধি শীঘ্রই শুরু হচ্ছে বন্দে ভারত ট্রেন পরিষেবা। এর ফলে খুব কম সময়ের মধ্যেই গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন যাত্রীরা। শুরু হবে এক নতুন অধ্যায়। সোমবার শিলিগুড়ি জাংশন স্টেশনে একটি অনুষ্ঠানে সামিল হয়ে এমনটাই জানালেন দার্জিলিং এর সাংসদ রাজু বিষ্ট। এদিন শিলিগুড়ি জাংশন স্টেশনে নতুন ভিআইপি লাউঞ্জ এবং ফুট ওভারব্রিজের উদ্বোধন করেন সাংসদ রাজু বিষ্ট। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ সহ রেলের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকেরা। এই বিষয়ে সাংসদ রাজু বিষ্ট বলেন, শীঘ্রই এনজেপি থেকে কলকাতা অবধি বন্দে ভারত ট্রেন পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে। রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের তরফে এই পরিষেবা শুরুর অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এনজেপি থেকে হাওড়া অবধি রেল লাইনের কাজ করা হচ্ছে, যাতে বন্দে ভারত ট্রেন চলাচলে কোনো সমস্যা না হয়। 2023 সালের শেষের দিকে ট্রেন পরিষেবা চালু হয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন, मोदी सरकार समय कोनो किछुई असंभव नय। मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा था। बहुत जल्दी वंदे भारत रेल जो है सिलीगुड़ी से दौड़ेगी कलकत्ता के बीच में। ऑलरेडी काफ़ी स्पेशल ट्रेनें जो है कलकत्ता और दिल्ली के लिए चल रही है। और जहां तक आपने दार्जिलिंग मेल की बात की, एक रेल और आएगी जो सिलीगुड़ी और कलकत्ता को कनेक्ट करेगी। तो आप निश्चिंत रहिए, मेरा ये मानना है कि आज के भारत में और इस सरकार के युग में मैंने देखा है, असंभव कुछ भी नहीं है। जनता के लिए जो भी हितकारी होगा सब करेंगे। आप कल्पना करिए, 1800 करोड़ का जो है एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन रहा है। नितिन गडकरी जी 1000 करोड़ की एक सड़क का उद्घाटन करके गए। सिलीगुड़ी के चारों तरफ 3000 करोड़ की लागत से सिलीगुड़ी का रिंग रोड बनेगा। आप कल्पना करिए, रिंग रोड बनते ही कितनी इंडस्ट्री बढ़ेगी, कितने जॉब क्रिएट होंगे, कितना सिलीगुड़ी का विकास होगा, कितनी इसकी बनावटी और इम्प्रूव होएगी, वह हम आज सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। और इस तरह से जो है फुलबारी से लेकर के सिलीगुड़ी, आपका जो है गोरखपुर से लेकर के जो है ग्रीनफील्ड 30,000 करोड़ के लागत से हाईवे बन रहा है जो सिलीगुड़ी तक आएगा, ऐसे तमाम काम हो रहे हैं। और मुझे नहीं लगता इससे पहले इतनी घोषणाएँ और इतने एग्जीक्यूशन के काम हुए होंगे और आज हो रहे हैं, ये दिख रहा है। हम सबके लिए जो है खुशी की बात है। देखिए, ऐसा है कि मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं बोल सकता, रेलवे वाले ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे, लेकिन मैं मंत्री जी से मिला था, उन्होंने इसकी स्वीकृति दी है और जनरल मैनेजर साहब ज़्यादा बता पाएंगे, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन की भी एक लिमिट है और उसकी डिमांड आज ज़्यादा है, जो मैं अपने हिसाब से समझता हूँ। तो उस हिसाब से एक एक करके पूरा भारत अपना है, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र हम सब का है। आवश्यकता के हिसाब से सब जगह वो शुरू हो रही है, हम सब आए दिन देखते हैं, तो हमारा भी नंबर आएगा, जल्दी आएगा। उसके सर्वे बहुत पहले भी हो चुका है, उसकी फिजिबिलिटी वर्कआउट हो रही है और जितना मैं जानता हूँ कि मेरी नक्सलबाड़ी से बहुत आसानी से पहुँच सकता है। बाकी एक बार घोषणा होने दीजिए, उसके बाद जो है पता चलेगा। लेकिन रेल हो, सड़क हो या पानी, अब पानी के लिए मैं बताऊँ, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग की जिला को मिला करके कालिम्पोंग अलग है, 1060 करोड़ का हर घर जल का स्वीकृति मिल चुकी है, काम चल रहा है। लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा, इसमें कुछ नेता लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक के लोग मिले हुए हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मिले हुए हैं। कोयक मास आगे हल्दीबाड़ी থেকে দার্জিলিং মেল চালু করা হয়েছে, এই নিয়ে অনেক মানুষ ক্ষুব্ধ। মানুষের কথা ভেবেই রেলওয়ের তরফে বড়সড় পরিবর্তন আনা হচ্ছে। বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের দ্বিতীয় পরিষেবা উত্তর পূর্ব ভারতের বৃহত্তম রেল স্টেশন থেকে শুরু হতে চলেছে। উত্তরবঙ্গের রেলপথের আরও উন্নয়ন করতে রেলওয়ে কোনো খামতি রাখছে না। একদিকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালানোর প্রস্তুতি চলছে, অন্যদিকে সেবক থেকে রংপো পর্যন্ত ট্রেন চলাচলের জন্য 2টি টানেলের কাজ শেষ হয়েছে, বাকি কাজও চলছে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে। এদিকে মিরিক থেকে কালিম্পং পর্যন্ত রেল পরিষেবার প্রস্তাব পেয়েছে রেল, সেই বিষয়টি দেখছে রেল দপ্তর। এই বিষয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনসুল গুপ্তা বলেন, রেলওয়ে তো 5 সার্ভিসেস মিলনে কা হ্যায়, জিসমে এক সার্ভিস হাম লোগো কা নিউ জলপাইগুড়ি সে মোস্ট প্রবাবলি হাবড়া কে লিয়ে হাম লোগ চালায়ে কলকাতা, জো হাম লোগো কা প্রস্তাব হ্যায়। गुवाहाटी भी एक प्रोबेबल रूट है, इस तरह के कई हैं। असेसमेंट के साथ में हम लोग डिसाइड करेंगे। नॉर्थ
नंबर दो उसकी जो मेंटेनेंस फैसिलिटीज हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है वंदे भारत का मेंटेन करना, वो हम लोग यहीं पर सिलीगुड़ी में डेवलप करेंगे। उसके साथ में क्योंकि वंदे भारत क्योंकि हाई स्पीड की ट्रेन है, तो बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रैक है हम लोगों का वो 130 किलोमीटर के लिए फिट हो जाए। तो हम लोगों की कोशिश है कि ये जो हमारा ट्रैक है एनजेपी तक, मालदा से एनजेपी जो आता है उसको 130 किलोमीटर का हम मार्च तक फिट करते हैं। तो मार्च तक ये फिट हो जाएगा, उसके बाद में जो मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ हैं हमारी उम्मीद है करीब 8 से 9 महीने में वो मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ हम बना देंगे। तो अगले वर्ष के अंत तक हम लोगों को उम्मीद है कि वंदे भारत की सर्विसेज जो प्रस्तावित है, देखिए उसका जो हम लोगों का प्रयास है कि मार्च 24 तक न्यू जलपाईगुड़ी को एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन का जो वर्क है वो कम्प्लीट कर दिया जाए। और अभी जो लैंड एक्विजिशन का जो था उसमें काफ़ी सफलता हम लोगों को मिल गई है, तो लैंड एक्वायर कर ली गई है, जो फेस वन के जो वर्क हैं और फैसिलिटीज़ हैं वो हम शिफ्ट कर रहे हैं। आज जैसे मैं डिस्कस भी कर रहा था, जैसे पार्किंग को हम शिफ्ट करेंगे, UTS PRS को हम शिफ्ट करेंगे, जो लोकेशन जहाँ खाली होगी वहाँ रेलवे की जो नई स्टेशन बिल्डिंग शुरू होगी, साउथ एंड में जो बिल्डिंग का भी कार्य शुरू हो जाएगा, तो दोनों एंट्री हम लोगों की बनेंगी, ऊपर स्काई कोर्स आएगा, तो ये बहुत बड़ा एक महत्वाकांक्षी और एक वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग जो आएगी जो एयरपोर्ट को भी मात देगी, इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। एनक्रोचमेंट को हटाया जाएगा, मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो हब जो कानूनी माध्यम है उसके द्वारा हम उसको हटाएंगे, क्योंकि जब वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ बनाते हैं तो हब एक नागरिक का ये हम लोगों का कर्तव्य है कि उसको वर्ल्ड क्लास सुविधा दी जाए, और उसमें जो भी रुकावट है या जो ऑथराइज नहीं है वो स्ट्रक्चर आते हैं तो उसको जो न्यायिक प्रक्रिया के दौरान हम लोग हटाएंगे या शिफ्ट करेंगे।